कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद नीमच में कांग्रेस जनों ने जोरदार जश्न मनाया। विजेताओं के चौराहे पर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद नीमच में जोरदार जश्न मनाया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस जन विजय टोकी चौराहे पर एकजुट हुए और पटाखे फोड़ आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई दी। कांग्रेस जन कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से ढोल धमाकों के साथ जुलूस निकालते हुए विजय टोकी चौराहे पर पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया ने कहा कि कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी है, इससे पूरे देश के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव जीतेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। इस मौके पर नंदकिशोर पटेल, ब्रजेश सक्सेना, हारून रशीद कुरैशी, बबली तंवर, डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, भगत वर्मा, हाजी साबिर मसूदी, राकेश अहीर, रवि दीवान, हिदायतुल्ला खान, मुकेश पोरवाल, योगेश प्रजापति, महेश विरवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज कर्नाटक में जो भारी बहुमत से जो जीत हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह से लबरेज है पूरे देश के अंदर। और 2024 में लोकसभा जीतेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश की विधानसभा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हम जीतेंगे। 130 सीट करीब हम जीतने के कगारे पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बहुत टाइम बाद कांग्रेस को यहाँ खुशी नसीब हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव 2023 नवंबर में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कर्नाटक के रिजल्ट आए, इससे पूरे देश में खुशी का माहौल है और कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल के बाहर आ गया है और 2023 और 24 की तैयारी में लग गया है।